फोन कराएगा। पूरा मोहल्ला इस कंपनी की कटिंग की वजह से, फोर लाइनिंग की वजह से तबाह हो गया। सारे मकान तकरीबन क्रैक हैं और ये सब लोग परेशान हैं। और इस परेशानी का मंजर आप देख ही रहे हैं कि ये रोड के बीच में इन्होंने टेंट लगाए हैं। इंतजामिया इनको ये भी नहीं पूछती कि भाई रोड में क्यों है, इनको कोई सेफ प्लेस क्यों नहीं दिया गया साइड पे जहाँ ये महफूज जगह में, महफूज जमीन में, सेफ जमीन में ये टेंट लगाए, जहाँ इनको कोई खतरा ना हो। अगर ऊपर से पस्सी आ जाए बारिश की वजह से तो ये फिर इतने रिस्क में रह रहे हैं। कम से कम दस पंद्रह फैमिलियां जो हैं वो इस वक्त मौत जिंदगी की कश्मकश में है, नरसू नाला में खसूसन, और हमारे पड़ोसी जो हैं तो सभी लोग परेशान हैं। और सब गरीब लोग हैं, बीपीएल तबका से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोगों ने ठेकेदारियां वगैरह करके मकान बनाए थे, वो सब आप देख रहे हैं इस वक्त की क्या पोजीशन है इन लोगों की। कोई मुआवजा नहीं, इंतजामिया के पास बार बार जाते हैं, डीसी साहब के पास, तहसीलदार के साहब, वो कंपनी की तरफ हमें कहते हैं कि कंपनी वालों के पास जाओ। कंपनी वाले बस आजकल करके हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, चुप करके, कोई परेशान हाल नहीं है। हम इंतजामिया से, गवर्नमेंट इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डीसी साहब से, तहसीलदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन परेशान गरीब लोगों की मदद करें और सच्चे दिल से करें और इनकी सेफ्टी के बारे में सोचें, ताकि ये इस मलबे के नीचे किसी भी वक्त दब सकते हैं। इनको तहफ़ मिलना चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए जो इनका हक बनता है। फोन कराएगा।